नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बांग्लादेश में जो हालात फिलहाल हैं, वहां हिंदू चीख रहा है, पुकार कर रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आया। इस्कॉन टेम्पल ने जरूर कोशिश की थी, या फिर कहें कि इस्कॉन टेम्पल के चिन्मय दास जो उनसे जुड़े हुए थे पहले, अब नहीं जुड़े हुए हैं, उन्होंने कोशिश जरूर की थी हिंदुओं की आवाज बनने की, लेकिन उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ बांग्लादेश में चल रहा है, वाकई में हकीकत क्या है। राधा रमन दास जी कोलकाता इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ सीधे इस चर्चा में जुड़े हैं। उनसे जानेंगे इस्कॉन क्या है, क्या बांग्लादेश में चल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, आने वाले वक्त में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्या कुछ होने वाला है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। हरे कृष्णा। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि आप आतंकवादी संगठन कब बने, मतलब स्कॉन आतंकवादी संगठन कब बन गया? ये तो बहुत ही, ये जो प्रश्न है, ये इसके ऊपर में हम लोग बहुत दिनों से विचार कर रहे हैं, जब से हम लोग ये सुने कि इस्कॉन को आतंकवादी संगठन बनाने के लिए वहां के एजी जो है उन्होंने वैसा स्टेटमेंट दिया है कोर्ट में, तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। ये एक्चुअली 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि वहां पर लोग सड़कों में उतरकर डिमांड कर रहे हैं कि इस्कॉन को बैन कर दिया जाए, इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाए। और ये लोग जो डिमांड कर रहे थे वो अपने हाथों में तलवार लेकर रास्ते में निकल के बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने इस्कॉन को नहीं बैन किया, इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बैन किया, तो हम लोग एक एक इस्कॉन के भक्त को किडनैप करेंगे, टॉर्चर करेंगे और उनकी हत्या कर देंगे। तो मैं इसी के बारे में सोच रहा था कि भैया हम लोग टेररिस्ट कब बन गए? टेररिस्ट बनने के लिए तो हथियार होने चाहिए। तो फिर मेरे को ख्याल आया कि एक्चुअली हो सकता है सही बात बोल रहे हैं, उनको लगता है कि जैसे जो भी इस्कॉन भक्त हैं, जब भी वो लोग दीक्षा लेते हैं तो उनको एक बंदूक दी जाती है और उस बंदूक में 108 गोली रहती है और हरेक इस्कॉन भक्त मिनिमम 1728 बार रोज सवेरे सवेरे वो अपनी बंदूक से, अपनी पिस्तौल से गोली दागता है। तो मैं आज आपके चैनल पर भी उस औजार को दिखाऊंगा, आप खुद देखिए। तो ये है हमारा औजार और आप देख पा रहे हैं कि इस औजार के अंदर में ये, मैं अभी आपको गोलियां निकाल रहा हूं, ये देखिए ये सब गोलियां हैं, 108 गोलियां हैं। और इस गोली को हम लोग अपने बंदूक में रोज भरते हैं इस तरह से और उंगली निकाल लेते हैं, और जब उंगली निकालते हैं तो देखिए बंदूक जैसे लग रही है, लग रही है ना बंदूक? आप जी बिल्कुल, जैसे बंदूक जब बंदूक दागते हैं तो उससे आवाज होती है धाएं धाएं की, तो हम जब ट्रिगर दबाते हैं तो क्या आवाज आता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इस बंदूक से हम किसी की हत्या नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम इस बंदूक से अपने ही हृदय की जो गंदगी है या जो अनर्थ है उसका निवारण करते हैं। तो मजाक तो एक साइड, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य वाला चीज था कि वो लोग हमको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, कह रहे हैं। इस्कॉन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे 150 देशों में भी, हमारे सभी 850 से भी ज्यादा बड़े मंदिर हैं और हजारों की संख्या में सेंटर्स हैं। सभी जानते हैं कि इस्कॉन के साथ में, मैं तो अपनी इस्कॉन की बड़ाई करूंगा क्योंकि मैं इस्कॉन से जुड़ा हूं, लेकिन मैं एक बता रहा हूं, घटना आपको बता रहा हूं। ये जो स्टीव जॉब्स का नाम कौन नहीं जानता जी। स्टीव जॉब्स जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जब वो स्टूडेंट थे, उस समय उन्होंने ये खुद, ये जो घटना है, आप यूट्यूब में जाएंगे, आप स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट एड्रेस ये सर्च करेंगे तो वो स्टीव जॉब्स का वो एड्रेस, मतलब वो आएगा, स्पीच आएगा। तो उस स्पीच में उन्होंने बताया कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, स्टूडेंट था, उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अच्छा खा सकूं, तो अपने शरीर के पोषण के लिए मैं इस्कॉन मंदिर 8 मील, इस्कॉन मतलब जो उनके यूनिवर्सिटी से 8 मील दूर पर एक इस्कॉन मंदिर था, तो वो वहां पर 8 मील चलकर इस्कॉन मंदिर आते थे और इस्कॉन मंदिर में जो फ्री का भोजन दिया जाता है उसको खाते थे। वो चल के क्यों जाते थे? क्योंकि उनके पास में बस के लिए भी पैसा नहीं होता था, बस के टिकट के लिए भी नहीं पैसा होता, तो वो खाना ही खा लेते, अपना पेट ही भर लेते जी। तो फिर वो इस्कॉन मंदिर में, उन्होंने ये बताया कि जब मैं इस्कॉन मंदिर में प्रसाद देता था तो उसने तो मेरे शरीर को पोषण दिया ही,
लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं मंदिर जाता था तो वहां पर प्रवचन भी सुन लेता था और इस्कॉन के जो लिटरेचर है पुस्तकें उसको भी मैं पढ़ता था, और वो जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ उसने उसने मेरे माइंड को, मेरी चेतना को उसको पोषण दिया। अच्छा सर, आपने खाने की बात की, आपने खाने की बात की, तो मैंने जितना सुना है कि कोविड के दौरान बांग्लादेश इस्कॉन ने रोज 2-3 लाख लोगों को खाना खिलाया, क्या ये बात सही है? पूरे विश्व में हमने, जब कोविड के समय में लोग अपने घरों के में आराम कर रहे थे, बंद थे, उस समय इस्कॉन के भक्त पूरे विश्व में हम लोग सबसे ज्यादा व्यस्त थे, क्योंकि सवेरे से हम लोग अपनी गाड़ी में, मैं खुद कलकत्ता में रहता हूँ, मैं कलकत्ता में रोज सवेरे अपने गाड़ी को राशन से भर लेता था, और हमने अपने अपने नंबर एडवर्टाइज करके रखा था कि कोई भी जिनके पास भोजन नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों की नौकरी चली गई थी, तो हम लोग को संपर्क करिए, हम आपके घर में जाके डिलीवरी करेंगे। उसी तरह बांग्लादेश में वहां के भक्त भी, ब्रह्मचारी सारे कोविड के समय में बिना किसी का धर्म देखे, बिना किसी की जाति देखे, रंग भेद किसी, बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करे। और बांग्लादेश में प्राकृतिक आपदा हर एक वर्ष आती है, हमें होती है, और बहुत सारे लोग संकट में रहते हैं, गांव के गांव डूब जाते हैं, उस समय इस्कॉन के भक्त अपनी जान को जोखिम में डालकर नौका में बैठकर गांव गांव में जाकर प्रसाद पहुंचाते हैं, खाना भोजन पहुंचाते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने इतने सालों तक सेवा की, इवन 71-71 के वॉर में जिस समय बहुत आपातकालीन स्थिति थी, जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो वहां पर बहुत ज्यादा भुखमरी बढ़ गई थी, उस समय हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद ने, उन्होंने अपील की थी, तो प्रभुपाद के जो अनुयायी थे जैसे जॉर्ज हैरिसन, तो जॉर्ज हैरिसन ने वो फिर ऑर्गेनाइज किया एक कंसर्ट श्री श्री रविशंकर जी के साथ में मिलकर, और मिलियंस ऑफ डॉलर जो इकट्ठा हुआ वो बांग्लादेश भेजा गया, और इस्कॉन के भक्त उस समय भी सेवा कर रहे थे। तो ऐसे संस्था के ऊपर में आज उनको आतंकवादी बताकर बैन करने की मांग करना, और ये कहना कि हम एक एक इस्कॉन के भक्त को पकड़ेंगे, उनको बंद करके टॉर्चर पहले करेंगे फिर हत्या करेंगे, ये बहुत दुखद है। आप तो ये तो वही बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आप आतंकवादी हैं शायद इसीलिए, क्योंकि हम आतंकवादी हैं इसीलिए। आपकी आंखों की जो नमी है वो शायद बहुत कुछ बयां कर रही है सर, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल, चिन्मय दास इस वक्त बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा चेहरा, हिंदुओं की रक्षा के लिए जो सड़कों पर उतरे, उनसे बांग्लादेश इस्कॉन ने नाता क्यों तोड़ लिया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा आपने प्रश्न किया, इसका क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। पहले तो हम सब हिंदुओं को समझना चाहिए कि जो संकट के बादल, जो बांग्लादेश में जो स्थिति है बहुत ही भयंकर है, कोई सुरक्षित नहीं है, और इस समय एक हाई कोर्ट में मामला जो चल रहा था जिसमें एक किसी ने पिटिशन किया था, उसमें उसने दावा किया था कि इस्कॉन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए और बैन कर दिया जाए। तो और हम जानते हैं कि वहां के इवन जो गवर्नमेंट के जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने भी बोला कि हाँ हम लोग इसकी प्रक्रिया चला रहे हैं बैन करने की। तो उनके पिटिशन में एक पॉइंट था, उन्होंने जो रखा था कि किस लिए बैन किया जाए, तो एक पॉइंट ये था कि कृष्ण जो जो प्रभु जी हैं वो इस्कॉन के पोस्ट में है, और उन्होंने चिन्मय कृष्णदास इस्कॉन के पदाधिकारी हैं, और उन्होंने 4-5 लाख लोगों को इकट्ठा किया, इसका मतलब इस्कॉन कर रहा है, इसके पीछे लोगों को रास्ते में निकालने के पीछे इस्कॉन है, और इस्कॉन लोगों को भड़का कर देश विरोधी कार्य कर रहा है, इसीलिए इस्कॉन को बैन करना चाहिए। तो जब इस तरह का ये पिटिशन में लिखा था, तो लेकिन तथ्य ये था कि चिन्मय कृष्ण प्रभु इस्कॉन के ब्रह्मचारी हैं, भक्त हैं, एकदम सही बात है, लेकिन वो अभी किसी पोस्ट पर नहीं है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय जितने भी वहां के सनातनी लोग हैं वो लोग एक मंच तैयार किया, सनातन मंच उसका पूरा नाम है, जिसमें चिन्मय कृष्ण प्रभु शायद स्पोक्स पर्सन या उनके उसके अध्यक्ष हैं, तो उस प्लेटफॉर्म से इस आंदोलन का चलाया जा रहा था। तो जब हाई कोर्ट में झूठा बयान देकर और उसके तर्ज पर इस्कॉन को बैन करने का जब प्रयास किया था, और हम लोग लगभग बैन होने के लिए जस्ट कगार में पहुंच गए थे, और आप जानते हैं कि
अगर इस्कॉन के वहां पर हजारों हजारों साधु संन्यासी रहते हैं, 70 लाख हमारे इस्कॉन के भक्त हैं लगभग वहां पर, तो अगर इस्कॉन बैन हो जाता है इसका मतलब क्या? आज तो चिन्मय कृष्ण प्रभु ही जेल में है, फिर बांग्लादेश की सरकार जितने भी साधु संन्यासी हैं सबको जेल में भर देती कि ये सब आप लोग आतंकवादी हैं, और जितने भी गृहस्थ हैं 70 लाख उन लोग के पीछे भी पड़ जाते। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था कि जो हाई कोर्ट में ये मामला झूठा मामला चलाया जा रहा है उसका जवाब देना। कोर्ट इस्कॉन के साथ नजर आती है क्योंकि कोर्ट भी उन्हीं लोगों के इशारे पर काम करेगी कहीं ना कहीं, हालांकि बैन लगाने के फैसले को रद्द कर दिया, नहीं माना। कोर्ट ने एक्चुअली ये कहा कि ये हमारे दायरे में नहीं आता है और ये इसके ऊपर में सरकार विचार किए सरकार, और ये करके पिटिशन को उन्होंने खारिज किया, उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया कि बैन नहीं होगा। देखिए वहां जमात इस्लामी का फिलहाल शासन है, जिसका मतलब ये इस्लाम की सोसाइटी, इस्लामी मूल्यों के आधार पर समाज को बदलना और एकीकृत राज्य बनाना, वो इस्लाम की बात करते हैं, तो आप लोग तो गलत फंस गए वहां। असल तस्वीर हिंदुओं की क्या है वहां बता सकते हैं? 100 साल पहले बांग्लादेश हिंदू मेजोरिटी था, 1000 साल पहले, 1000 वर्ष पहले बांग्लादेश में 100% हिंदू थे, और जो इस्कॉन हम जो संस्था हमारी जो संस्था है वो गौड़िया गौड़िया माधव संप्रदाय से हम लोग बिलोंग करते, माधव गौड़िया संप्रदाय। तो इस्कॉन के जो मैं जो हम लोग चैतन्य महाप्रभु को की पूजा करते हैं, मानते हैं उनके 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 जो इंस्ट्रक्शन उसको पढ़ते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का पूरा जो परिवार है वो बांग्लादेश में, मतलब अभी के बांग्लादेश में था 500 वर्ष पहले, और चैतन्य महाप्रभु का खुद का जन्म मायापुर में हुआ था। और हमारे इस्कॉन के जितने भी आचार्य हैं बांग्लादेश में अलग अलग गांव में हुए हैं। तो पहली बात तो ये एकदम हम लोग को सरेंडर नहीं करना चाहिए कि ये इस्लामिक या दूसरे लोगों की जगह है, ये हमेशा हजारों साल से क्या लाखों करोड़ों साल से ही सनातन भूमि है। सिर्फ 1000 साल पहले जब लोग आए और फिर धीरे 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 करके आज ऐसी स्थिति हो गई कि हिंदू सिर्फ 7% बच गए, तो जी 7% पर आके अभी बचे हुए हैं जी। तो फिलहाल हिंदुओं पर किस तरह फिलहाल हिंदुओं की दशा क्या है मैं वो जानना चाहता हूं आपसे। वहां जो तस्वीरें हम बांग्लादेश से आती हुई देख रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है या हकीकत उससे भी ज्यादा विभत्स है? हकीकत उससे ज्यादा विभत्स है, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोस हैं आप उसको देख नहीं सकेंगे, और किसी और जिसके पास अगर वो वीडियो आ भी गया किसी तरह से तो वो देखने के बाद में या तो डिलीट मार देगा या नहीं भेजेगा, क्योंकि उसका भी मस्तिष्क खराब हो जाएगा। क्योंकि उसमें औरतों की बच्चों की चीख पुकार है और बहुत ही गलत तरीके से जो कुछ किया जा रहा है किया जा रहा है। ठीक, एक्चुअली आप मेंटल बैलेंस खो देंगे अगर ये वीडियोस अगर आप एक दिन बैठ नहीं, हमने देखी है सर, हमने देखी है। भारत सरकार से आपका इस्कॉन का एक डेलीगेशन मिला था हिंदुस्तान में, भारत सरकार ने एक बयान भी जारी किया था बांग्लादेश के लिए, क्या तो आपके डेलीगेशन ने भारत सरकार से कहा, फिर भारत सरकार ने जो एक बयान जारी किया बांग्लादेश का, बांग्लादेश ने उस पर क्या कुछ जवाब दिया, दोनों बात बताइएगा। कुछ दिन पहले शायद 3 दिन पहले जो विदेश मंत्रालय है उनके स्पोक्स पर्सन ने एक बहुत ही अच्छी एक प्रेस नोट किया था, और उसमें उन्होंने खेद जताया था कि चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार किया गया है, और बांग्लादेश सरकार से कहा कि जो माइनॉरिटीज के ऊपर में ये जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुकना चाहिए, और ये भी बताया कि जो चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी है वो भी हम लोग को दुखी करती है और इसका जल्दी ही इसका निवारण होना चाहिए। लेकिन शाम के वक्त जो बांग्लादेश गवर्नमेंट का जो जवाब आया उसको तो पढ़ के मैं खुद बहुत ही चकित रह गया कि बांग्लादेश ऐसा भी जवाब दे सकता है भारत को। क्या जवाब दिया उसमें? ये कहा बांग्लादेश का, एक्चुअली मैं वर्ड टू वर्ड तो आपको नहीं पढ़ सकता क्योंकि सार बता दीजिए जी, उसका जो सार मतलब जो समझ में मुझको आया कि बांग्लादेश ने दो टुक में भारत सरकार को कह दिया कि आप अपनी अपने इंटरनल मैटर पर ध्यान दीजिए, दूसरे के देश में हस्तक्षेप मत करिए, हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, सभी लोग सुखी है। तो इस तरह का तो वो बहुत ही मेरे को पर्सनली मेरे को बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑन ग्राउंड रियलिटी बहुत ही भयंकर है। रोज रात के समय तो
बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी अवस्था खराब होती है, वो कांपते कांपते अपनी रात्रि गुजारते हैं, और जिस इलाके में वो जो जो लोग हैं, जो मॉब है वो पहुंच जाता है, वहां तो बस क्या बोलना, मतलब उसका क्या मैं चरित्र क्या बताऊं, चित्र बहुत ही भयंकर चित्र होता है। शेख हसीना का भी बयान आया है, शेख हसीना ने भी इस पर खेद जताया और कहा है कि जल्द से जल्द ये जो हत्याएं हो रही हैं वो रुकनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि शेख हसीना भी एक वजह है हिंदुओं पर जिस तरीके का अत्याचार वहां हो रहा है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में कोई मर जाता है तो हिंदू मरता है, किसी के घर में बच्चा जन्म होता है तो हिंदू मरता है, कोई कुछ कोई अपना त्योहार मनाता है तो हिंदू मर जाता है, तो अल्टीमेटली हिंदू ही बकरी का बकरा बन जाता है। कोई इलेक्शन जीतता है तो हिंदू मरता है, कोई हारता है तो हिंदू मरता है। क्यों? तो हम तो ये तो हम देख ही रहे, नहीं तो एक कुछ दशक पहले हिंदुओं की पॉपुलेशन 30% थी, वो आज 7% कैसे हो गई? 1971 में मैं विकिपीडिया में ही पढ़ रहा था, 1971 में हाँ, हमारे आप किसी भी हिंदू से पूछे कि 1971 में बांग्लादेश में क्या हुआ, कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये विकिपीडिया के पेज में लिखा है, जो विकिपीडिया लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का माउथ पीस है, उन्होंने लिखा है कि 1971 में 30 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ था और 3 से 4 लाख हिंदू महिलाओं का रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था। तो आप इतना बड़ा नरसंहार, लेकिन उसको कोई भी नहीं जानता है, वो दूसरे को तो छोड़ दीजिए, हम हिंदू भी नहीं जानते। तो ये बराबर होते आया है बांग्लादेश में, और अभी जो हुआ 5 अगस्त को, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि वहां के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये 7% कैसे शून्य हो जाए, उसको वो प्रयास कर रहे हैं। वो वहां हिंदुओं का धर्मांतरण चाहते हैं या फिर मारकर खत्म ही कर देना चाहते हैं? ऑफकोर्स वो सब कुछ चाहते हैं, जो जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं वो तो चाहते हैं कि जो भी हिंदू हैं आदमी वो लोग भारत चले जाए, अपनी महिलाओं बच्चियों को छोड़ के, अपने प्रॉपर्टी को छोड़ के। आपको याद होगा कि जब दी कश्मीर फाइल्स आई थी जी, तो बहुत लोग तो बोलने लगे थे कि ये प्रोपोगेंडा मूवी थी है, और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कश्मीर में। लेकिन आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, आप कोई भी आज देख सकता है कि बांग्लादेश में कश्मीर फाइल्स रिपीट हो रही हैं। सर, इसे रोका कैसे जा सकता है? ये बहुत ही ऐसा प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न भी है, और मैं एक्चुअली कुछ ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग की जो स्थिति है बांग्लादेश में वो हम लोग बहुत ही बैकफुट में है। तो ये हिंदुओं को बैठकर विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। सर, 175 देशों में इस्कॉन चलता है, 175 देशों में, बड़े बड़े देशों में चलता है, उससे भी अधिक देशों में चलता है, लेकिन यूनुस खान ना तो ट्रंप की मानते हैं, ट्रंप भी दिवाली के दौरान ट्वीट करते हैं हिंदुओं की चिंता पर, हिंदुओं की दशा पर चिंता जाहिर करते हैं, भारत सरकार की तरफ से भी बयान दर्ज किया जाता है कि सिर्फ इसे आप मीडिया की अतिशयोक्ति नहीं कह सकते, ये उकसावे की राजनीति जो है इसको बंद करें, उसके बावजूद भी मोहम्मद यूनुस नहीं मानते हैं, तो ताकत क्या काम कर रही है उनके पीछे? एक्चुअली इसमें ये भी बहुत ही सभी जानते हैं, इस पर आप लोग चर्चा भी करेंगे जो लोग नहीं, मैं अच्छा आप नहीं बोल सकते, मैं बोलता हूं कि अगर जिस व्हाइट मैन का जिक्र किया था शेख हसीना ने, बाइडेन सरकार की तरफ से अगर ताकत मिल रही है तो वो तो 20 जनवरी को खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे मोहम्मद यूनुस? ये तो वही बता सकते हैं कि मतलब क्या, एक्चुअली हम लोग राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम लोग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है और अभी हम लोग निशाने पर हैं। वो तो ठीक है सर, आप निशाने पर, लेकिन आपने जिस बंदूक की अपना जिक्र किया, 108 गोलियों का जिसमें जिक्र किया, उसमें 108 गोलियां हैं, वो आपकी जान बचाने में नाकामयाब सिद्ध हुई है बांग्लादेश में, तो विकल्प आपको तलाशना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कट्टरपंथी आएंगे और आप उनके सामने अपनी गर्दन रख देंगे कि लीजिए काट दीजिए, कब तक? ये तो हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा, लेकिन आज के समाज में जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो जो अब जो भी शासन कर रहे हैं, शासक हैं,
देश के, उनसे यही एक्सपेक्टेशन होती है कि जो पुलिस है, आर्मी है, वो लोग आम जनता की रक्षा करेंगे। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जो नॉर्मल समाज के से में जो एक्सपेक्टेशन है कि पुलिस रक्षा करेगी, वो बांग्लादेश में हो नहीं रहा है। वो तो पुलिस और आर्मी खुद रातों को घर में जाकर मारपीट कर रही है, निकाल निकाल कर। उससे तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए आप, मुझे तो उम्मीद नहीं है। एकदम सही है, इसीलिए मैंने 2021 में जब इस तरह का हुआ था कांड वहां पर दुर्गा पूजा के समय में, उस समय यूनाइटेड नेशन को मैंने एक चिट्ठी लिखी थी और डिमांड किया था कि बांग्लादेश में इमिडिएटली जो पीस कीपिंग फोर्स है उसको भेजा जाए। हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स होती है, वो लोग ऐसे डिस्टर्ब एरिया में जाते हैं और वो लोग स्थिति को नियंत्रण में रखते हैं। तो उस समय मेरे को ये भी जान के आश्चर्य हुआ कि जब 1971 में नरसंहार हुआ था, यूनाइटेड नेशन ने उस समय भी कोई आवाज नहीं उठाई थी उन लोग के लिए। पहली बार जब 2021 में मैंने चिट्ठी लिखा तो यूनाइटेड नेशन ने एक दल भेजा जो बांग्लादेश जाके सभी मंदिरों में जाके उन्होंने खबर ली। लेकिन उसमें उस डिमांड में मेरी एक और डिमांड थी कि जो पीस कीपिंग फोर्स है वो इमिडिएटली भेजा जाए, जो आज तक यूनाइटेड नेशन ने उसको पूर्ण नहीं किया। अगर 2021 में पीस कीपिंग फोर्स वहां आ जाती तो 2024 में जो घटित हो रहा है वो नहीं होता। उसके पीछे कुछ कारण दिया उन लोगों ने क्यों नहीं भेजी पीस कीपिंग फोर्स? यूनाइटेड नेशन का भी हम लोग बहुत ही अवाक रहते हैं कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूयॉर्क में इतनी बड़ी बड़ी भव्य बिल्डिंग है, सारे देशों के झंडे लगे हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन भी, ह्यूमन राइट्स करके भी उनका एक अलग ही डिपार्टमेंट है। तो ये लोग दिन भर अपने ऑफिस में बैठकर करते क्या है? 100 दिन से बांग्लादेश में ये नरसंहार हो रहा है, लोग चीख चीख कर पुकार रहे हैं, इतने लोगों का, कितने लोग, 3 करोड़ वहां के जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, ट्राइबल्स, क्रिश्चियंस, और सभी चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि भैया हम लोग को बचाओ, लेकिन यूनाइटेड नेशन से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो यही बहुत आश्चर्य होता है कि कैसा यूनाइटेड नेशन है और एक किसके लिए बोलता है। आएगी भी नहीं सर, यूनाइटेड नेशंस का रवैया क्या है वो इसराइल वाले मामले में, ईरान वाले मामले में, हमास वाले मामले में हम देख चुके हैं किस तरीके से इसराइल ने भी गुहार लगाई थी कि यहाँ ये आतंकी संगठन हमास हमारे देश में आया, महिलाओं को उठाकर ले गया, कत्लेआम किया, तब भी इस यूनाइटेड स्टेट्स का जवाब नहीं आया है। जवाब आप ही को देना होगा, क्या आप बांग्लादेश में संगठित हैं? ऑफ कोर्स वहां के सारे हिंदू हैं, सारे और भी माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, ट्राइबल्स, क्रिश्चियन, सभी लोग इस अवस्था में एक साथ जुड़े हुए हैं। और जब इन माइनॉरिटीज, हम तो देख रहे हैं कि लास्ट 4 दशक से ये लोग कट रहे थे, 30% से 7% हो गए हिंदू, लेकिन हमने कोई आंदोलन नहीं देखा। लेकिन जब इनके से तो इन लोगों को रास्तों पर निकलना पड़ा, और जब रास्ते में निकले तो आप देख सकते हैं कि 4 लाख 5 लाख लोग निकलकर रास्ते में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ऑफकोर्स वो लोग अभी बहुत संगठित हैं क्योंकि उनके पास में और कोई रास्ता भी नहीं। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, वही बांग्लादेश में भी हो रहा है। लेकिन आपका कहना है कि संगठित है वहां का हिंदू, तो देखना होगा कब तक ये रुकता है। भारत सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम सभी सरकारों से, अंतर्राष्ट्रीय देशों से यही चाहते हैं कि ये जो हो रहा है 100 दिनों से, उसके ऊपर में एटलीस्ट उनके अपने अपने संसदों में इस बात पर चर्चा हो, उठाया जाए मुद्दा, और अपने अपने देश के प्रधानमंत्री जो हेड ऑफ स्टेट है वो लोग बांग्लादेश के हेड ऑफ स्टेट से बात करें। आज हमने कल एक बॉब ब्लैकमैन करके जो यूके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया। तो इसी तरह अगर पूरे विश्व में कि पार्लियामेंट में ये जो बांग्लादेश के जो जनमानस है उनकी चीख पुकारे जब पार्लियामेंट्स में गुजेंगी तो हो सकता है कि बांग्लादेश की जो सरकार है उसके ऊपर में कुछ प्रभाव पड़े। चलिए देखते हैं सर, आपका दबाव भी बहुत है, आपकी मांग भी है सरकारों से, यूएन से, हेड ऑफ स्टेट बांग्लादेश से, लेकिन स्थिति सामान्य होती है तो कब तक होती है? और अत्याचार क्या और बढ़ता है या किस और ये स्तर पर पहुंचता है, वो तो हम लोग तो सिर्फ वक्त पर ही
देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, बांग्लादेश की असल तस्वीर को आपने देश के सामने, दुनिया के सामने रखने की कोशिश की, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कोलकाता के इस्कॉन से जुड़े राधा रमन दास जी, जिन्होंने एक तस्वीर साफ की है, बताया है कि ना तो यूएन ही इस मामले में बहुत ज्यादा कुछ कर रहा है और भारत सरकार भी सिर्फ बयान ही जारी कर रही है, इससे ज्यादा उसके बस का भी शायद कुछ नहीं है। ताकत बांग्लादेश की सरकार के पीछे, अंतरिम सरकार के पीछे कौन सी काम कर रही है जो भारत सरकार को दो टूक जवाब दे रही है कि हमारे आंतरिक मामलों में आप दखल अंदाजी ना करें। तो देखना होगा आने वाला वक्त बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भयावह साबित होता है या फिर स्थितियां कुछ सामान्य होती है। चर्चा कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।